मैंने रिकॉर्डिंग भेजा था, किसी ने देखा था क्या भटकड़ वाला? देखा था सर, देखा था। तो अगर बीच में कहीं पे कभी हैंग कर गया, कुछ हो गया, तो तुम रिकॉर्डिंग देख लोगे, या कुछ रिवाइज करना है तो इनका रिवाइज दे। चलो, पी ये लिखा, क्यू ये लिखा, क्यू बताओ क्या लिखा था हमने? टू टू जे कैप प्लस के कैप। जे कैप प्लस के कैप। अब देखो, पी क्रॉस क्यू निकालना है। पी क्रॉस क्यू, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? P में I का कॉएफिशिएंट 1, J का कॉएफिशिएंट 1, K का कॉएफिशिएंट 2। Q में I कैप तो है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे कॉएफिशिएंट? 0। इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया, J का कॉएफिशिएंट 2, K का 1। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। सो इसको हमें क्या करना, ओपन करना। तो दिस इज इक्वल टू पहला आई कैप, एंड देन वी विल टेक दिस, ऐसे देखना, एंड देन माइनस दिस, क्या लिखेंगे? 1, 1 माइनस 4। अब क्या लिखेंगे? पहला आई कैप लिया तो अब माइनस जे कैप, प्लस माइनस। फिर अब देखो, मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं कैसे लेना है। ये ले लिया, तो बचा कौन सा? ये 4, दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0, 0 into 2, प्लस के कैप, क्या लिखेंगे? के कैप 2 माइनस 0। सो आंसर विल बी -3i कैप -j कैप + 2k कैप। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? हाउ टू कैलकुलेट, आप बताओ। एक एग्जांपल ले लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि मैट्रिक्स मैथ से कैसे निकालते हैं। अब तो कोई भी देगा तुम निकाल लोगे। और फिर से मैंने पूछा, अगर मैं पूछ दूं कि बताओ, यहां भी चेक करके बताओ, ए क्रॉस बी जो हमने निकाला, ये परपेंडिकुलर टू ए होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर टू बी होना चाहिए, चेक इट। दैट मीन्स दिस डॉट दिस या दिस डॉट दिस जीरो होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया। तो हेडिंग डालो नेक्स्ट। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्या है ये क्रॉस प्रोडक्ट? दिस इज ए, दिस इज बी, और ये थीटा। ठीक है बच्चों? मैं ए क्रॉस बी तो एक मैग वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा? ए बी साइन थीटा। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं कि क्या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मुझे कुछ बताता है क्या? क्या बताता है? तो ये ए बी साइन थीटा। अब क्या करो, ए और बी मिलाकर के एक पैरेललोग्राम बना लो। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ए, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। So now you can see that, ये हमने समझाया था, this is B, ये होता है B sin theta बच्चों, B sin theta। जब ये B sin theta हुआ, तो अब देखो A into B sin theta, base into height, क्या बताता है ये? तुम ही लोग बोलो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत बढ़िया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाई
वेक्टर ए एंड बी एज एडजेसेंट साइड. ए और बी को साइड लेकर जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया बताएगा ए क्रॉस बी. ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग. तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं. जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट में हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट ये निकाला था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाला था, एंड देन एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, है ना. उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस थे कि वेदर द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में जब एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट हेल्प करेगा मुझे, ठीक है. टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है. ये सारे सवाल हमने, ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए. सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट में अभी हमने क्या पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन पढ़ा, फिर कैसे पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई क्रॉस आई देखा, आई क्रॉस जे देखा, एंड देन कुछ एग्जाम्पल देखा टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा क्रॉस प्रोडक्ट का. अब लास्ट बचा है एप्लीकेशन, तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. नहीं दिख रहा है. पहला लिखो, फर्स्ट एप्लीकेशन. वी कैन फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय द टू वेक्टर जो अभी जस्ट डिस्कस किया. पहला एप्लीकेशन, वी कैन फाइंड एरिया ऑफ पैरेललो. अच्छा स्पेलिंग क्या होता है पैरेलल, मैंने पिछला बार गलत लिख दिया था लगता. पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय द टू वेक्टर क्या होगा, वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. अगर मैं पूछूं नहीं मुझे ट्रायंगल का एरिया चाहिए, दिस इज ए दिस इज बी, मुझे ये ट्रायंगल का ये एरिया चाहिए, क्या बताओगे सर? हाफ कर देने का. बोलो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ कर देना. हाँ तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. अगर दो वेक्टर से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया अगर चाहिए तो बहुत ही आसान है. उस ट्रायंगल का एरिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेंगे और उसका हाफ कर लेंगे, ठीक है. तो पहला एप्लीकेशन पैरेललोग्राम या ट्रायंगल का एरिया. तो ये दो वेक्टर दिया हुआ है और इस दोनों वेक्टर से जो ट्रायंगल बना उसका एरिया पूछा गया, तो तुम क्या करो ए क्रॉस बी निकालो. जो तुमने इतना निकाल लिया तो द रिक्वायर्ड एरिया इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. नाउ यू नो द मैग्नीट्यूड, हाउ टू फाइंड दिस. एट स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर क्या जाएगा, वन बाई टू. यहां से तुम थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर सकते हो, टू स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा फोर स्क्वायर, ये टू बाहर हो जाएगा, टू स्क्वायर कॉमन ले लिया तो फोर स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर तो क्या होगा, सोलह चार बीस नौ ट्वेंटी नाइन, रूट ट्वेंटी नाइन, दिस विल बी द एरिया. रूट 29 आंसर सही आया. सेकेंड एप्लीकेशन लिखो, वी कैन राइट ए वेक्टर, राइट ए वेक्टर
परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, प्लेन ऑफ ए एंड बी। अब सवाल यह आएगा, सवाल यह आएगा कि दो एक ऐसा वेक्टर लिखो जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। एक ऐसा वेक्टर लिखो, सपोज यूनिट वेक्टर लिखो, तो लिख सकते हैं कि राइट ए वेक्टर की जगह पे राइट ए यूनिट वेक्टर। अगर हमने यूनिट वेक्टर लिख लिया बच्चों, तब तो हम कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं उस डायरेक्शन में, जितने मैग्नीट्यूड का कौन, इट विल बी प्लस फोर जे कर, नॉट निगेटिव। अमोग ने कहा, चेक कर लेना, अमोग ने किया जो अभी निकाला था, तो वो कल प्लस फोर जे कैपी आएगा। चेक कर लो जो होगा वो तो तुम्हें आता है, दोनों चेक कर लो किसका आ रहा है। सो आपस में तुम लोग झगड़ लो कौन सही है, अमोग और कौन सा तक। चलो रिकॉर्डिंग ऑन है। हम लोग क्या कर रहे थे, यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, ये क्या है, ये एक वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब ए क्रॉस बी लिख लिया तो ये एन कैप कैसे लिखोगे, यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय ए क्रॉस बी, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो ये वेक्टर डिवाइड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो लिखो, ये पूरा नोट डाउन करो। अब देखना, हमने कहा कि एन कैप एक वेक्टर है जो ए क्रॉस बी के, सॉरी ए और बी के परपेंडिकुलर है। कहेंगे ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है तो बी क्रॉस ए भी तो परपेंडिकुलर है, तो आंसर कहेगा कि यूनिट वेक्टर लिखो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, है ना। और मुझे पता है बी क्रॉस ए अलग से मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, वो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो हम क्या कहेंगे आंसर, हमारा आंसर होगा प्लस माइनस दिस, इसको हटा दिया। तो मल्टीपल आंसर करेक्ट पूछेगा तो हमें ये दोनों आ जाएगा, एक वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर है यूनिट वेक्टर, सो दिस विल बी योर आंसर। वी हैव टू चेक कि तीन पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। दो पॉइंट मिलकर के क्या बनाएगा बच्चों, एक लाइन बनाएगा, ये एक लाइन हो गया। और तीसरा पॉइंट सपोज कहीं यहां है, तो ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और तीसरा पॉइंट आइदर बी से सी ज्वाइन कर दो या ए से सी ज्वाइन कर दो। तो अभी क्या कहेंगे, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, है क्या, अजिंक्य अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाया, अभी ये कोलिनियर नहीं है। अगर ये कोलिनियर नहीं है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, ए बी मतलब ए बी क्रॉस ए सी, अगर ए बी क्रॉस ए सी करूंगा तो ये जीरो नहीं होगा, नॉट नल वेक्टर। इफ इट इज इक्वल टू नल वेक्टर देन इट विल बी कोलिनियर। मुझे लग रहा है कि डबल एल होता है कोलिनियर में, चेक कर लेना कोलिनियर का स्पेलिंग क्या होता है। तो बच्चों क्या कर रहे थे हम, कि देखो अभी ये कोलिनियर नहीं है, तो ए क्रॉस ए बी क्रॉस ए सी किया तो अगर नॉट जीरो आया तो नॉट कोलिनियर, अगर जीरो आया देन कोलिनियर।
बोले सर जीरो कब आता है, देखो ए बी मान लो ये सी पॉइंट यहाँ आता है, तो ए बी और ए सी दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम तो एंगल जीरो, एंगल जीरो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ पे? तीन पॉइंट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, एक वेक्टर ऐसे लिखने आता है, एबी वेक्टर लिखने आता है, एसी वेक्टर लेने आता है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, अगर जीरो आया तो कोलिनियर, जीरो नहीं आया तो नॉट कोलिनियर। ये हो गया तीसरा एप्लीकेशन, मिटा दूं ये। नेक्स्ट लिखो कोप्लेनरिटी, फोर्थ पॉइंट कोप्लेनरिटी, कोप्लेनर तीन पॉइंट्स कोलिनियर होता है, कोप्लेनर का मतलब सुनना पहले, दो वेक्टर मिलाकर के एक प्लेन बनाएगा और तीसरा अगर कोई वेक्टर है उसी प्लेन में तो कहेंगे कि द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर उस प्लेन में नहीं है तो कहेंगे कि द थ्री वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर। जैसे सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, ये ए और बी मिलकर के ये बोर्ड का प्लेन बना रहा है, ए और बी मिलकर के ये बोर्ड का प्लेन बना रहा है। अगर तीसरा वेक्टर सी सपोज ऐसा है, ऐसा बोर्ड के प्लेन के ऊपर मेरा हाथ देखो, तो ये और ये जो प्लेन बना रहा है उसमें ये वेक्टर नहीं है, तो कहेंगे ये तीनों वेक्टर को प्लेनर नहीं है। ए और ये मान लो सी है, ये मेरा हाथ, ए और सी मिला के ये प्लेन बना रहा है, ये बी इस प्लेन में नहीं है, द थ्री वेक्टर्स आर नॉट को प्लेनर। बट सपोज दिस इज सी, ये सी है बोर्ड के प्लेन में, ये तीनों कोप्लेनर है। तो हाउ टू चेक कोप्लेनरिटी कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर होगा कि नहीं होगा, तो मैं एक आइडिया देता हूं कि क्या करो, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लिखो जो कि तुम्हें लिखने आता है, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर तुम्हें लिखने आता है, ये वेक्टर लिख लिया मार्कर दे, सो चौक देखो, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, और अगर ये सी वेक्टर इसके बोर्ड के प्लेन में है तो ये सी के भी परपेंडिकुलर है, अगर सी बोर्ड के प्लेन में है तो ये सी के भी परपेंडिकुलर है, अगर सी के परपेंडिकुलर है तो इसका इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, मतलब उल्टा कहूं कि इसका और इसका अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो कहेंगे कि ये सी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये सी के परपेंडिकुलर मतलब सी इसी प्लेन में है। सब मैं बता रहा हूं, अगर हमें कोप्लेनरिटी चेक करना है तो ए क्रॉस बी कोई भी दो वेक्टर लिखो, ये वेक्टर और सी परपेंडिकुलर होगा अगर कोप्लेनर है तो, दैट मीन्स परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, जीरो, देन ए बी एंड सी विल बी कोप्लेनर। लिख लो यहां तक। सो मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं, लेट्स की ए इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस जे कैप, बी इज इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस टू के कैप, एंड सी इज इक्वल टू आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस के कैप। ये तीन वेक्टर है, इफ द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन फाइंड वैल्यू ऑफ एम। इफ द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन फाइंड